भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। सुविधा की दृष्टि से संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और नए अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि करके जोड़ा दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 371 के साथ नए अनुच्छेद 371 क 371 ख आदि। आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। पूरे भाग भी निकाले और जोड़े गए हैं, परंतु भाग भी इसी तरह पूर्ववत संख्या अनुसार हैं तथा नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नागरिकता संबंधी प्रावधान का भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख। संविधान के 33 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतःस्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा तथा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची क्रमशः 33वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन जून 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजन का उल्लेख करती है। ज्ञातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का। नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 छ तथा 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243 छ के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था